यूपी में क्या होगा? देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन वो देश के अंदर जारी हुआ उसी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी जारी हो गया है, लेकिन अगर कोई आज की तारीख में उसके अंतर्गत आता है कार्रवाई में और यदि वह समन शुल्क देता है तो पुरानी दरों पर ही उसका भुगतान हो जाएगा, और यदि वह कोर्ट जाता है चालान तो फिर नई दरों पर जाएगा। अभी हम इसके बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं, इस समन शुल्क के बारे में कि आखिर इस पर क्या किया जाए, और वह पुनर्विचार सरकार के सामने है। हम शीघ्र अतिशीघ्र समन शुल्क क्या हो ये उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उसका निर्णय करेंगे। कई प्रदेशों ने इसको आधा कर दिया है, क्या ऐसा यूपी में भी होगा? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में क्या किया जाए इसके लिए एक पुनर्विचार हम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम शीघ्र ही इसको लेकर आएंगे। ये बड़ी हुई पेनाल्टी को लेकर बड़ा आक्रोश है, ये बड़ी हुई पेनाल्टी है, जो जुर्माना बहुत ज्यादा हो गया है कई गुना, उससे बड़ा आक्रोश है लोगों में, आक्रोश कैसे सामने। वैसे मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के अगर 100 लोग चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, बिना हेलमेट के एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का होता है तो 100 में से 99 मर जाते हैं, और अगर हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है तो 100 में से 99 बच जाते हैं। ये जनता के हित के लिए ही सारे काम हो रहे हैं, और मुझे ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता इतनी जागरूक है। आज मैं सड़क पर निकल रहा था, लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं, हमारे नागरिक आज जागरूक हो चुके हैं, हमारे नागरिक अपने शरीर की सुरक्षा करने की ओर बढ़ गए हैं। ई चालान में बड़ी मनमानी हो रही है, पूरे पेपर होने के बाद भी पुलिस वाले फोटो खींचते हैं, ई चालान कर देते हैं, और साढ़े 7,000-10,000 का बाइक का चालान होता है। देखिए मनमानी करने का तो किसी का सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ कानून का राज है, और एक योगी जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर है तो मनमानी हमारी सरकार में चल नहीं सकती। जो यहाँ गड़बड़ करेगा, अन्याय करेगा, वो रह नहीं पाएगा। और अब इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।